आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बाद आम आदमी पार्टी अब अन्य प्रदेशों में भी पैर पसा रही है। पंचायत चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आगरा पहुंचे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नराज स्थित सत्यनगर की सावित्री बाई फूले पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंचे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने लाइब्रेरी की तारीफ की और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सत्यनगर नराइच स्थित सावित्रीबाई फूले पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचे दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री का लोगों ने स्वागत किया, जिनमें केशवदेव मास्टर साहब, पार्षद देवेंद्र पाल, मेघ सिंह बौद्ध, लक्ष्मी नारायण, रमेश गांधी सहित तमाम प्रबुद्ध जन शामिल थे। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार के मंत्री ने यहां आकर उनकी हौसला अफजाई की है। मंत्री जी, जो बुद्धा स्टडी सर्कल की जो माँ सावित्रीबाई फूले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी जो संचालित है नराइच क्षेत्र में, उसके विजिट करने के लिए आए हैं। उन्हें कहीं से सूचना मिली है कि यहाँ एक संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है स्टूडेंटों के लिए, और यहाँ के जो बस्ती है, जिस बस्ती में ये संस्था काम कर रही है, जो लाइब्रेरी है, वो सराहनीय है। तो मंत्री जी की इच्छा रही होगी, तो मंत्री विजिट करने आए हुए हैं। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी आए हुए हैं और सावित्री बाई फूले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी का उन्होंने भ्रमण किया, और उन्होंने यहाँ पे आके किस तरीके से शिक्षा के मतलब क्षेत्र में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, किस तरीके से तरक्की हो सकती है, उस विषय में उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए और उन्होंने सुझाव दिए हैं। यहाँ पे जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और पठन पाठन में जो विद्यार्थी लगे हुए हैं, तो उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया है और हम सभी लोग दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे बीच में यहाँ पे आए और हमारे लाइब्रेरी में आके उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया, हमारा मार्गदर्शन किया, हम यहाँ पर उनके लाइब्रेरी के आगे उन्होंने शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम उनसे धन्यवाद देते हैं। लाइब्रेरी के रखरखाव को देख आम आदमी पार्टी के नेता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मनलिन बस्ती में लाइब्रेरी होने को युवाओं के लिए लाभदायक बताया। उन्होंने संचालनकर्ताओं की तारीफ की। यहाँ जो हमारे साथियों के द्वारा सावित्रीबाई फूले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी के माध्यम से यहाँ बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी चलाई जा रही है, जिसमें बच्चे अपने तरह तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया इन्होंने, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ जो बच्चे यहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर भविष्य में अपने जीवन में सफल होंगे, उनकी इच्छाएँ पूरी हों। लेकिन साथ ही साथ उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अमंग एससी एसटीज भी अब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो निश्चित तौर पर सफल होते हैं। और ये जो यहाँ के साथियों ने मिलकर लाइब्रेरी जो बनाई है, मैं उनको धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आजकल बाकी चीज़ें तो हैं, लेकिन जो इस तरह की जो लोकल कॉलोनीज है वहाँ पर बच्चों के लिए पढ़ने की उचित व्यवस्था नहीं है, तो हमारे साथियों ने जो लाइब्रेरी चलाकर यहाँ एक अच्छा वातावरण पैदा किया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया, वो साधुवाद के पात्र हैं और मैं बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उनको यहाँ एक अच्छे वातावरण में तैयारी करने का मौका मिल रहा है। यूपी में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव में प्रभारी बनाकर विधायकों और मंत्रियों को भेजा है। राजेंद्र पाल गौतम यूपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी को सरकार संचालन का मौका मिलता है तो वे दिल्ली मॉडल को लागू कर यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश को योगी जी ने जंगल राज में तब्दील कर दिया है और कोई भी वर्ग आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आए दिन बहन बेटियों पे बलात्कार होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, क्योंकि जिस रास्ते को उन्होंने अपनाया है वो धर्म और जाति और धर्म के नाम पे देश उन्होंने बांट दिया पूरे समाज को, और कोई पढ़ने का वातावरण नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं, बिजली इतनी महंगी है कि लोगों के कनेक्शन कट रहे हैं। ऐसे हालात में ये गुजरात का जो मॉडल है देश को बेचने वाला, वो पूरी तरह विफल हो चुका है, और दिल्ली के मॉडल की, केजरीवाल के मॉडल की ज़रूरत पूरे देश को है, जहाँ सरकारी स्कूल इतने बेहतरीन हो गए कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, और 200 यूनिट बिजली फ्री है, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा फ्री है, आज मोहल्ला क्लिनिक एक एक कॉलोनीज के बाहर नुक्कड़ पे बन गए। तो जिस तरह जो काम का जो मॉडल दिल्ली से निकल कर आया है, जिसमें हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, बिजली पानी को प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, उसकी ज़रूरत पूरे देश को है।
आपको बता दें कि नराइच सत्यनगर स्थित सावित्रीबाई फूले पब्लिक लाइब्रेरी लंबे समय से संचालित है। इस लाइब्रेरी को बुद्ध सर्किल सोसाइटी ने बच्चों को इतिहास और महापुरुषों की जानकारी देने के उद्देश्य से स्थापित किया है। जो भी व्यक्ति इस लाइब्रेरी में पहुंचता है वह इसमें मौजूद साहित्य कलेक्शन और रखरखाव को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।